Hello students, I am Nidhi Sahu, your English teacher, class 4th. Today I am going to teach you English grammar, chapter 1st, nouns. Last video में मैंने आपको noun, common noun and proper noun के बारे में पढ़ाया था. आज मैं आपको collective noun के बारे में पढ़ाऊंगी. Look and read, देखो और पढ़ो. यहाँ पे collective noun means समूहवाचक संज्ञा. समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे समूह जो जैसे कि किसी व्यक्ति का समूह हो गया, किसी जानवर का समूह जिसमें एक जैसे एक ही तरह के कई लोग हों, तो एक ही तरह के कई चीजें हों या एक ही तरह के कई लोग हों या एक ही तरीके के कई जानवर हों उन्हें कहते हैं समूह. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, अ हर्ड ऑफ डियर वॉज ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट. अ हर्ड ऑफ, हर्ड मीन्स झुंड, इसका झुंड. डियर, डियर मीन्स हिरण. हिरण का एक झुंड जंगल में चर रहा था. अ प्राइड ऑफ लायंस वॉच्ड देम. प्राइड मीन्स यहाँ पे शेरों का समूह. यहाँ पे लायंस, प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का एक समूह. वॉच्ड देम, उन्हें देखता था. अ ट्रूप ऑफ मंकीज वॉज सिटिंग ऑन मैंगो ट्रीज. ट्रूप ऑफ मंकीज मीन्स मंकी मतलब बंदरों की एक टुकड़ी. बंदरों की एक टुकड़ी कहाँ बैठी थी? आम के पेड़ों पर बैठी थी. आम के पेड़ों पर बंदरों की एक टुकड़ी बैठी थी. अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, पैरट्स लैंडेड ऑन द ट्रीज एंड बिगन टू मेक अ लॉट लॉट ऑफ नॉइज. अ फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक्स मीन्स झुंड. किसका झुंड? पैरट्स का, मीन्स तोते का झुंड. तोते का एक झुंड पेड़ों पर उतरा. कहाँ पे उतरा? लैंडेड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर उतरा. एंड और बिगेन मीन्स शुरू कर दिया. क्या शुरू किया? टू मेक ए लॉट ऑफ नॉइस, मीन्स शोर मचाना शुरू कर दिया. तोते का एक झुंड पेड़ों पर उतरा और शोर मचाना शुरू कर दिया. अ बैंड ऑफ रॉबर्स, यहाँ पे बैंड ऑफ रॉबर्स मीन्स लुटेरे का एक दल. लुटेरों का एक दल या डाकुओं का एक दल. लुटेरों का एक दल कहाँ रहता था? लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहता था. दे हैड अ टीम ऑफ हॉर्सेस. दे, उनके पास अ टीम, टीम मीन्स समूह. अ टीम ऑफ हॉर्सेस, उनके पास घोड़ों के, घोड़ों का एक समूह था. समटाइम द किंग्स आर्मी ऑफ सोल्जर, द किंग्स आर्मी ऑफ सोल्जर. समटाइम कभी कभी राजा के सैनिकों की सेना, आर्मी ऑफ सोल्जर के सैनिकों की सेना. वुड कम टू फॉरेस्ट, जंगल आती थी किसके लिए? टू कैच द रॉबर्स, डाकुओं या लुटेरों को पकड़ने के लिए. कभी कभी राजा के सैनिकों की सेना लुटेरों को पकड़ने के लिए जंगल आती थी. दैट मॉर्निंग द रॉबर्स वियर स्लीपिंग इन दियर केव. दैट मॉर्निंग, उस सुबह द रॉबर्स वियर स्लीपिंग, रॉबर्स लुटेरे वियर थे स्लीपिंग में सो रहे. इन दियर केव, अपनी गुफा में. उस सुबह लुटेरे अपनी गुफा में सो रहे थे. द लॉयन, द लॉयंस हैड ईटन द नाइट बिफोर सो दे डिड नॉट वॉन्ट टू कैच द डियर. द लायन, शेर, शेर रात से पहले खा चुके थे. ईटन मीन्स खा चुके. शेर रात से पहले खा चुके थे. सो इसलिए, दे मीन्स वे, इसलिए वे हिरण को पकड़ना नहीं चाहते थे. कैच मीन्स पकड़ना, हिरण को पकड़ना नहीं चाहते थे. मंकीज थ्रू डाउन द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज एंड द डियर एट देम. मंकीज, बंदर, बंदरों ने, बंदरों ने पेड़ों से फल नीचे फेंके. थ्रू मीन्स फेंके और डाउन मीन्स नीचे, फ्रूट्स मीन्स फल. बंदरों ने पेड़ों से फल नीचे फेंके और एंड मीन्स और द डियर एट देम, और हिरण ने उन्हें खा लिया. आगे देखिए,
द वर्ड्स इन ब्लू आर कलेक्टिव नाउन्स. यहाँ पे जो वर्ड्स ब्लू कलर के दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हर्ड दिया गया है, यहाँ पे प्राइड है, यहाँ पे ट्रोव दिया गया है, यहाँ पे फ्लॉक है, और यहाँ बैंड दिया गया है, आर्मी है, यहाँ पे टीम दिया गया है. तो ये सब वर्ड किस क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, मीन्स समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक समूह को दर्शाते हैं. ये देखिए डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन की. कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एक ही तरह के लोगों जानवरों और चीजों के नाम को कहते हैं. हम ऐसा भी कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु या किसी एक जानवर के बारे में ना बताकर हमें उनके पूरे समूह के बारे में बताने वाले शब्द को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. और आपका होमवर्क है आज का, यहाँ पे आपको इस जो टेबल दी गई है यहाँ पे, इसमें पीपल एनिमल एंड थिंग्स इनके समूहों के नाम बताए गए हैं. इसको आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी पे राइट करना है. ओके, जैसे कि यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, यहाँ पे यात्रियों का समूह. ऐसे ही यहाँ पे जानवरों का समूह बताया गया है और यहाँ पे चीजों का समूह बताया गया है. आपको इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करके लर्न करना है. एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर. थैंक यू.